भारत के अरुणाचल प्रदेश सिक्किम राज्य से सीमा साझा करने वाला भूटान हमेशा से ही भारत के लिए एक काफी महत्वपूर्ण देश रहा है, जिसकी संस्कृति और इतिहास काफी लंबे समय से भारत से जुड़े हैं, जहां पर मौजूद 11% जनसंख्या हिंदू धर्म को फॉलो करती है। और अगर आपने कभी भूटान को मैप पर देखा होगा तो आप इसे इंडिया के नक्शे में भी काफी आसानी से देख पाएंगे, जिसे देखकर आपके मन में कभी न कभी तो यह सवाल जरूर आया होगा कि आखिर 1947 में आजादी मिलने के बाद भारत ने भूटान को नॉर्थ ईस्ट के दूसरे राज्यों की तरह भारत में शामिल क्यों नहीं किया, और क्या यह भी आजादी के बाद भारत द्वारा की गई उन्हीं बड़ी गलतियों में से एक है जिसका खामियाजा आज भी भारत को भुगतना पड़ रहा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों मौका होने के बावजूद भी 1947 में जवाहरलाल नेहरू ने भूटान को एक राज्य बनाने के बजाय एक अलग देश की तरह स्वतंत्र छोड़ दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। भूटान भारत का हिस्सा क्यों नहीं बना, इसके पीछे भी एक लंबा इतिहास है, या फिर कहूँ कि एक वजह जिसके चलते नेहरू ने भूटान को कभी सेना की धमकी नहीं दी और ना ही जबरदस्ती भारत में शामिल करने की कोशिश की। इस बारे में जानने के लिए हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि भारत पहले अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था, जिसके कारण जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो इन सभी रियासतों को आपस में जोड़ने में बहुत सारी परेशानी आने लगी। पर इसके बावजूद जम्मू कश्मीर और हैदराबाद जैसी बड़ी रियासतों को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी ताकत और सूझबूझ से भारत में शामिल कर लिया, जिसके बाद हमने सिक्किम को भी भारत में एक राज्य की तरह शामिल कर लिया, जबकि सिक्किम और भूटान का कल्चर एक जैसा ही है और इन दोनों की सीमाएं आपस में मिलती हैं। लेकिन सिक्किम को भारत में मिलाने के बावजूद भारत ने कभी भी भूटान को भारत में नहीं मिलाया, क्योंकि जब भारत पर ब्रिटिश सरकार की हुकूमत थी उस समय यह दोनों देश ब्रिटिश राज्य के प्रोटेक्टेड स्टेट में शामिल हुआ करते थे। इसका मतलब यह है कि ये दोनों देश अपने अपने हिसाब से चलते थे और उन पर ब्रिटिश सरकार का कोई भी राज नहीं था, और भूटान और सिक्किम के आंतरिक मामलों में ब्रिटिश सरकार दखल नहीं दे सकती थी। दोस्तों, ऐसा इसलिए था क्योंकि 1730 में भूटान का भारत में राज कर रही ब्रिटिश सरकार से युद्ध हो गया था, और इस युद्ध में यह समझौता हुआ था कि भूटान के आंतरिक मामलों में ब्रिटिश सरकार दखल नहीं देगी। शायद आप लोगों को यह पता हो कि पहले बंगाल भी भारत का हिस्सा नहीं हुआ करता था, पर एक बार जब मुगलों ने बंगाल के कूच बिहार के इलाके पर हमला कर दिया था तो क्योंकि बंगाल का यह इलाका भूटान की सीमा से मिला हुआ था, इसीलिए बंगाल के राजा ने भूटान से मदद मांगी थी। उसके बाद भूटान ने बंगाल के कूच बिहार को मुगलों के चंगुल से बचा लिया, लेकिन इसका भूटान ने पूरा फायदा उठाया और बंगाल के उस इलाके पर भूटान ने अपना राज स्थापित कर दिया, और यह राज लगभग 1760 तक चला, जिसके बाद 1772 में बंगाल की सत्ता के दो हिस्से हो गए, जिसमें एक हिस्सा भूटान के पास चला गया और दूसरा हिस्सा अंग्रेजों के पास चला गया। उस समय जिस कूच बिहार के इलाके को ब्रिटिश सरकार ने कब्जाया था उसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल कर दिया गया। इसी बीच अंग्रेजों और भूटान के बीच कई बार लड़ाई हुई, जिसके बाद उनके बीच एक समझौता हुआ, जिस समझौते ने अंग्रेजों को भूटान में व्यापार का मौका दिया। सन 1824 में अंग्रेजों ने भूटान के सामने इस समझौते को पेश किया था। भूटान को यह समझौता ज्यादा खास पसंद नहीं आया और इसके बाद से ही ब्रिटिश सरकार और भूटान के बीच तनाव रहने लगा। इसी दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने असम के लोअर असम पर अपना कब्जा कर लिया। भूटान और अंग्रेजों के बीच समझौता होने के बाद भी वे दोनों एक दूसरे से बार बार लड़ते रहते थे। इसके कुछ समय बाद उनके बीच इस लड़ाई को सुलझाने के लिए सिंचूला की संधि हुई, जिसमें इन दोनों देशों ने आपस में व्यापार का समझौता किया। इस संधि के होने के बाद असम के मुख्य द्वारों को ब्रिटिश सरकार ने अपने अंडर में ले लिया, और इसके बदले ब्रिटिश सरकार ने भूटान को 50,000 रुपए सालाना देने का वादा किया। सब कुछ सही चल रहा था। इसके बाद अचानक से तिब्बत ने सिक्किम पर आक्रमण कर दिया। जिस समय तिब्बत ने सिक्किम पर आक्रमण किया उस समय सिक्किम में ब्रिटिशियर्स रहा करते थे।
जिसके कारण यह युद्ध लंबे टाइम तक चला और इन दोनों के बीच भूटान पीसता रहा। इसी बीच उस समय उगेन वांगचुक नाम का एक लीडर सामने आया और इस लीडर ने इन दोनों देशों के बीच समझौता कराया। उगेन वांगचुक के कारण ही 1904 में एंग्लो तिब्बत सम्मेलन हुआ, जिसमें दोनों देशों के लोग आए थे। उगेन वांगचुक के इन्हीं गुणों से प्रभावित होकर 1907 में उन्हें भूटान का राजा बनाया गया। इसके बाद जैसे ही चाइना को यह पता लगा कि तिब्बत ब्रिटिशियस के साथ मिला हुआ है, तब उसने सिक्किम पर आक्रमण कर दिया। उस समय सन 1910 चल रहा था, क्योंकि उस समय भी चीन एक शक्तिशाली देश था, तो उसने तिब्बत पर हमला करने के बाद सिक्किम और भूटान पर भी हमला करने के बारे में सोचा। परंतु भूटान उस समय तक इतना शक्तिशाली नहीं था कि वह चीन का सामना कर सके, इसीलिए भूटान ने ब्रिटिश सरकार से मदद मांगी। ब्रिटिश सरकार ने भूटान से वादा किया था कि ब्रिटिश सरकार उनके आंतरिक मामलों में दखल नहीं देगी, पर विदेशी मामले में हर समय ब्रिटिश सरकार भूटान का साथ देगी और उनकी रक्षा करेगी, जिसके चलते भूटान ने ब्रिटिशियर्स की मदद से चीन को भूटान से भगा दिया और भूटान पर सन 1926 तक उगेन वांगचुक ने राज किया। इसी बीच वह सुनहरा दिन भी आ गया था जिस दिन भारत ब्रिटिश सरकार से आजाद हुआ था। लेकिन यह आजादी भारतीयों के लिए तो बहुत खुशी की बात थी, परंतु भूटान और सिक्किम को यह डर था कि उन्हें भी भारत में शामिल ना कर लिया जाए, क्योंकि वह अपना राज्य अलग और स्वतंत्र रखना चाहते थे। इसका एक मुख्य कारण यहाँ पर राजशाही भी था और यहाँ के राजा नहीं चाहते थे कि भारत में मिलने के बाद उन्हें अपनी गद्दी से हाथ धोना पड़े। इसी के चलते भूटान ने लॉर्ड माउंटबेटन को पत्र लिखा, जो कि एक ब्रिटिश सरकार के मंत्री थे। उस पत्र पर यह लिखा था कि जब भूटान और ब्रिटिश सरकार के बीच सिंचुला की संधि हुई थी, तो उसमें साफ साफ यह लिखा था कि भूटान के आंतरिक मामलों में कोई भी दखल नहीं देगा, भूटान हमेशा आजाद ही रहेगा। लेकिन जब यह बात भारत में उस समय की सरकार कांग्रेस के पास पहुंची, तो जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भूटान डेलीगेशन के सामने दो प्रस्ताव रखे, जिसमें पहले प्रस्ताव में यह लिखा था कि भूटान को भारत में ही जोड़ दिया जाए, जिससे उसे एक राज्य का दर्जा दिया जाएगा, पर इसके बावजूद भी उसकी खुद की इंटीग्रिटी बनी रहेगी। और दूसरे प्रस्ताव में यह लिखा था कि भूटान अपनी रक्षा, संचार और विदेशी मंत्रालय को भारत के साथ साझा करे। इन प्रस्तावों को सुनने के बाद भूटान इनके खिलाफ था, इसीलिए ऐसा लग रहा था कि भूटान के साथ भारत का कोई समझौता नहीं होगा। लेकिन अचानक नेहरू ने उस प्रस्ताव में थोड़े चेंज कर दिए, जिसमें अब भूटान को केवल रक्षा और विदेशी मंत्रालय ही भारत के साथ साझा करना था, संचार व्यवस्था भूटान के पास ही रहेगी। इसके बाद 9 अगस्त 1949 में भूटान और भारत के बीच यह एग्रीमेंट हो गया। इस प्रस्ताव को भूटान सरकार ने स्वीकार कर लिया था, जिसके चलते भारत ने लंबे समय तक भूटान को रक्षा दी। इस समझौते के बाद भारत और भूटान के बीच बहुत अच्छा संबंध बन गया था, जिसके चलते इतिहास में पहली बार 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गणतंत्र दिवस पर भूटान के राजा ज्यानडोज वांगचुक को बुलाया था। इसके लगभग 4 साल बाद 1958 में भूटान ने भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपने यहाँ बुलाया था। उस समय उनके साथ इंदिरा गांधी भी गई थी। धीरे धीरे भूटान और भारत के संबंध और ज्यादा गहराते चले गए और इसी बीच 1959 तक चीन तिब्बत में पूरी तरह घुस चुका था। इस चीज को देखते हुए भूटान ने अपने फॉरेन अफेयर्स को भारत को सौंप दिया, जिससे भारत ने भूटान के डेवलपमेंट में बहुत सहायता की। धीरे धीरे जैसे भूटान ने ग्रोथ की, जिसके चलते 1971 में भूटान को यूएन की मेंबरशिप भी मिल गई। यूएन की मेंबरशिप मिलने के बाद भूटान में बहुत से सुधार हुए। इसके बाद 2007 में भूटान इतना सशक्त हो गया था कि वह अपने देश की रक्षा खुद कर सकता था, इसीलिए इसके बाद भूटान ने अपनी सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय मामलों को भी खुद ही संभालना शुरू कर दिया। और इस तरह भूटान भारत के सबसे करीब होकर भी भारत का राज्य नहीं बन सका और आज यह चाइना और भारत के बीच एक दीवार बनकर खड़ा है, जिसे सुरक्षा के नजरिए से काफी अहम माना जाता है। और भारत सरकार हमेशा भूटान की हर तरह से मदद करती है, यहाँ तक कि भारत के बजट में भी हर साल कुछ पैसा भूटान को दिया जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी भारत के इतिहास की यह महत्वपूर्ण जानकारी? ऐसी ही और भी ऐतिहासिक जानकारी से भरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे।